वेलकम बैक टू माई ट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र बीएससी सेकेंड ईयर में है, तो आप देख रहे हैं ये जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। और ये जो क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं मैं आपको, ये राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ। और बाकी जो अगली बारी वीडियो जो डालूंगा वो मैं यूपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा। मतलब जिसके यूनिवर्सिटी के पेपर हो गए हैं तो उनके लिए बढ़िया है, जिसके नहीं हुए हैं तो वही क्वेश्चन को तैयार करके जाए। यूपी की सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम टू है, मतलब कि बहुत चेंज नहीं है। खासकर मैं बता दूं, पेपर ऊपर मतलब कि सेकंड को फर्स्ट कर रखा है, फर्स्ट को सेकंड कर रखा है, तो ऐसा तो है, लेकिन बाकी किसी में चेंजेस नहीं है। ठीक है, सिलेबस एक है तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यही रहेंगे। बस इतना होता है कि किसी यूनिवर्सिटी में पहला क्वेश्चन पूछ लेता है जो मैंने आपको बताया, किसी में दूसरा पूछ लेता है, लेकिन फर्क खास नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते हैं वही पेपर हैकर द्वारा जो प्रोवाइड कराए जाते हैं वही आपके पेपर में आते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जो पहली बार चैनल गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक हमारा न्यू चैनल है जिसका नाम है क्या है बेटा, जिसका नाम है खिलाड़ी भैया XYZ, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। जो भी छात्र पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए एम्फियोक्सिस क्या होता है। एम्फियोक्सिस को ब्रेकियोस्टोमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र और रुधिर परिवहन तंत्र के बारे में याद करेंगे। एम्फियोक्सिस के बारे में, एम्फियोक्सिस जो एक मेमल्स होता है, कह सकते हैं स्तनधारी होता है या फिर एक, ठीक है, और तो वो हेमिकार्डेटा के अंदर रखा जाता है। एक संघ होता है हेमिकार्डेटा, उसके अंदर रखा गया है ये जंतु, और साथ ही साथ उसके लक्षण के बारे में आपसे पूछ लेता है। वही एंडोस्टाइल क्या होता है, ये एम्फियोक्सिस के एंडोस्टाइल के बारे में पूछता है, और साथ ही इसके हिल ऑर्गन के बारे में पूछता है या फिर ऑरल हुड के बारे में आपसे पूछ लेता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद नीचे जाएंगे और आप याद करेंगे हार्डमानिया के बारे में। जो हार्डमानिया आप एनिमल्स देख रहे हैं ये यूरोकार्डेटा के अंतर्गत आता है, और इसके समान लक्षण के बारे में आपसे पूछ लेता है कि यूरोकार्डेटा के समान लक्षण बताइए, तो आप हेमिकार्डेटा के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाहर संरचना कैसी है, स्वभाव कैसे है, आहार नाल कैसे है, और रुधिर प्रवाह तंत्र कैसा है, ये आप यहाँ देखेंगे। साथ ही साथ आता है प्रगामी कलांतर क्या होता है, प्रतिगामी कलांतर के बारे में याद कर लेना है। और हार्डमानिया के टेडपोल लार्वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आप देखेंगे। अंडे की संरचना और महत्व के बारे में पढ़ लेना है, और अंडे देने वाले स्तनधारी कौन कौन से हैं उसके बारे में आप याद देखेंगे। और साथ ही साथ अभी देखेंगे कि सरीसृपों के समान लक्षण उनके वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, एक होता है एक विषैले सर्प के विष उपकरण और दंश यंत्र का आपको वर्णन कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे और आपसे पूछ लेता है, एक पूछता है कि विषैले सर्प और विषहीन सर्प में अंतर कैसा होता है, मतलब जिसमें जहर होता है सांप में और जिसमें जहर नहीं होता है, उस दोनों सांपों के बारे में एक्सप्लेन करना है। और निकोटाइनी कैसे, निकोटाइनी क्या होता है, उसके प्रकार के महत्व के बारे में याद कर लेना है। और उसके बाद में आता है एक्सोलोटल लार्वा। एक्सोलोटल लार्वा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना है। उसके बाद में बर्ड पिक्चर का था और दंत पिच, इन दोनों के बारे में याद कर लेना है। स्तनधारी के दंत संरचना के बारे में, मतलब कि दांतों की संरचना कैसी होती है स्तनधारियों की, ठीक है, उनके दंत विन्यास के बारे में आप पढ़ के जाएंगे। ओके, उसके बाद में आता है हेमिकार्डेटा के समान लक्षण के बारे में, हेमिकार्डेटा क्या है उसके समान लक्षण को याद करेंगे। और नीचे जाएंगे, देखो प्रोटोथीरिया के समान लक्षण और मेटाथीरिया के समान लक्षण, ये इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। इसको आप पढ़ के जरूर जाइएगा, सभी छात्र याद रखना जो बता रहा हूँ, और जिसमें छुड़वाने का है वो छुड़वा रहा हूँ। और हिप्पो कैप क्या होता है इसके बारे में आप याद करेंगे, एक मछली होती है। और उसके बाद में हम नीचे जाएंगे, नीचे याद करेंगे बेटा पादप विहीन उभयचर क्या होते हैं, उसको हम पादप विहीन उभयचर को हम इक्थियो कह सकते हैं, इक्थियोफिस के नाम से भी जानते हैं, इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और बैलो देखो बैगलों ग्लासेस का जो आता है आपका, जिसे बैगलों ग्लासेस ग्लासेस के नाम से जाना जाता है, बैगलों ग्लासेस, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में और स्वदी संरचना के बारे में पढ़ लेना है। और बाकी आपको इकायरा के बारे में हो सके तो इकायरा पढ़ लेना, यदि आपके गैस पेपर क्वेश्चन बैंक में हो तो पढ़ लेना, बाकी सारे को छोड़ दे रहे हैं। यही क्वेश्चन आपके पेपर है का, यही पेपर में छप रहा है, इस बात को याद रखना है। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। एनी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हमारा। और एक लिंक है बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या paperhacker.in पर जाकर भी देख सकते हैं। और हमारा न्यू जो चैनल खुला है आप जानते हैं खिलाड़ी भैया XYZ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।